हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसे कि मैं हरिद्वार से वापस आ चुकी हूँ, सुबह से अभी बहुत थकावट हो गई थी, तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग है। अभी तो काम करना शुरू कर रही हूँ क्योंकि सबसे पहले है कपड़ों की बारी हमारी, कपड़ों की लगेगी दो बाद में मशीन चला के। इतने सारे कपड़े हैं अभी और भी इधर पड़े हैं, तो ये मैं पिल्लो ले गई थी साथ में। ये काफ़ी ना वो हो रखा है, जैसे कि ना इसकी रुई वगैरह ख़राब हो रखी है, तो मैं सोच रही हूँ इसको धोना तो है। इसकी जो सी बीच में फोम सी है ना, इसको निकाल देती हूँ, निकाल के फिर इसमें से इसको धो के फिर इसमें रुई को ना, ये कॉलीफॉर्म अंदर, तो इसको दोबारा से फिर फिल करवा दूँगी इसके अंदर ही। तो सबसे पहले यही काम करती हूँ, ये बाद में करती हूँ, पहले कपड़े दे रखिए। ये कपड़े डाल के आती हूँ मशीन में। फ्रेंड्स, भूलन वाले कपड़े अलग से निकाल दिए मैंने, और जो से ये रूटीन के कपड़े ये डाल रही हूँ उस अंदर, जितने भी आएंगे। अब ये डाल रही हूँ मैंने कपड़े, अभी 55 मिनट टाइम बता रहा, 51 मिनट, तो अभी मैंने कर दिया चालू, अब हो जाएगी, तो चलो अंदर चलते हैं। अभी ये टारगेट है, पहले मैं इसको अलग से नीचे ले जाती हूँ। ये फ्रेंड्स हमारा डुप्लेक्स है, ऊपर से ये देखिए बहुत ही ज़्यादा जिसको कहते हैं डस्ट डस्ट हो रखी है अंदर। सफाई तो होगी, नीचे झाड़ू पोछा तो लोगे, लेकिन अभी जो सा फर्नीचर का डस्टिंग वस्टिंग का काम है, ये देखिए वो करके चली गई अभी काम। चलो इसको, ये बेटी शिवानी बेटा इसको ना निकाल दे, इसकी रुई है ना जो सी मैं पॉलीथीन उसमें डाल दे, फिर इसको धो दे। एक मिनट, पहले पॉलीथीन ला रही हूँ मैं। शिवानी लंच में क्या बनाया बेटा? हाँ जी बोलो बेटा, क्या दाल मखनी बना दो। ड्राइंग रूम तो हो गया क्लीन, डस्टिंग वस्टिंग भी कर दी है मैंने, और बेडरूम भी लगभग क्लीन ही, कारपेट मैंने धूप में बिछा डाला हुआ है धूप लगने के लिए। तो अभी मंदिर की चौधरी उठा देती हूँ, मंदिर का कपाट बंद कर देती हूँ। फ्रेंड्स सब आ जाते किचन में, आप चाहे एक दिन के लिए बाहर चले जाओ, जाओ चले जाओ दो दिन के लिए, तो घर में काम उतना ही हो जाता है, उसे डबल हो जाता है। एक दिन के लिए गए हो चाहे दो दिन के लिए गए हो, काम फ्रेंड्स बढ़ ही जाता है, क्योंकि पीछे बच्चे इतना नहीं कर पाते ना अच्छे से, तो फिर खुद को तो करना ही पड़ना है काम। जो जो काम है अभी मैं बना रही हूँ किचन में, दाल मखनी की डिमांड हुई है, तो दाल मखनी मैं थोड़ी देर पहले मैंने भिगो के रख दी थी, अब एक दो घंटे हो गए हैं। ये देखिए दाल भी है, इसको बना। फ्रेंड्स मैं दाल को ना अच्छे से धो लेती हूँ, ये सारा काम पड़ा, थोड़ी सी चने की दाल इसमें मिक्स कर लेती हूँ। फ्रेंड्स दाल मैंने रख दी है, सिर्फ नमक डाला है इसमें, अभी मैंने कुछ नहीं डाला। अभी आटा गूंद देती हूँ और चावलों को भिगो के रख देती हूँ, ताकि चावल भीग जाएंगे तो अच्छे बन जाते हैं फिर भिगो के रखने से। तो जब बच्चे आने वाले होंगे तो मैं गर्मा गर्म बना लूँगी उनको, हस्बैंड जब लंच का टाइम होगा तो पहले इसको रख लेते हैं ढक के एक साइड पे। अब गूंद लेते हैं आटा। फ्रेंड्स आटा गूंद के रख लेती हूँ मैं अभी, तो आटा गूंदा होगा तो फुलके आराम से जल्दी जल्दी बन जाएंगे। आटा गूंदने में थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा कैमरा सेट नहीं है मेरा अभी, सेट कर लेती हूँ कैमरा, क्योंकि अभी तबीयत भी थोड़ी सही नहीं है, थकावट बहुत ज़्यादा हो रखी है, बट काम तो करना ही है। बाहर का कब तक खाएंगे, अच्छा भी नहीं लगता बाहर का खाया ज़्यादा, नुकसान भी देता और मन भी नहीं करता ज़्यादा खाने से बाहर का। अभी फ्रेंड मक्खन भी नहीं है मेरे पास, तो अभी हस्बैंड को बोलूँगी आते हुए मक्खन लेके आएंगे, क्योंकि एक्चुअली ख़त्म हो गया पड़ा होता है घर में, आज ख़त्म हो चुका है, तो मैंने सुबह बोला तो था, शायद याद नहीं रही उनको, तो मैं अभी कॉल करती हूँ। तो मक्खन फिर तड़का लगा लूँगी जल्दी से, दाल को किसी के हाथ में भेज देंगे नहीं तो, मक्खन मक्खन के बिना दाल मखनी बन ही नहीं सकती है। फिर आपके साथ भी ऐसा होता है, एट अ टाइम कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है तो मुझे गुस्सा करते हैं वैसे तो भी, एक टाइम से बताएगा जल्दी जल्दी, जब एक दो दिन पहले बता देगा जो भी चाहिए होता है,
तो कई बार ऐसा हो जाता है, अभी एट अ टाइम याद आता है अभी ये चीज़ ख़त्म हो गई है, तो इसलिए चलो कोई बात नहीं, बोलेंगे तो सुन लेंगे एक दो बातें, गलती हमारी है, हमारी जन की मेरी गलती है, तो कोई बात नहीं है, चलता इतना तो। तो फ्रेंड्स अभी मौसम हो रहा है, थोड़ा गर्मी कम हो रही है, और सॉरी सर्दी कम हो रही है, गर्मी की तरफ बढ़ रहे हैं हम, तो जाती सर्दी है, सर्दी में ठंड भी जल जाती, सर्दी भी अच्छी नहीं होती है, सर्दी लग जाए तो बीमार काफ़ी लोग हो रहे हैं आजकल तो, क्योंकि सर्दी जा रही है और गर्मी एंटर हो रही है, इसलिए फ्रेंड्स अभी अपना ध्यान रखिए, मैं भी अपना ध्यान रख रही हूँ, क्योंकि अभी थकावट इतनी हो रखी है अभी पूछो नहीं। चलो कोई बात नहीं है, जाते, लेकिन बहुत अच्छा लगता है हरिद्वार जाके फ्रेंड, जब भी आप जाओ तो मज़ा बहुत ही अच्छा लगता है, पानी में अंदर जाते हो एक बार तो ठंड लगती है, लेकिन उसके बाद बहुत आनंद आता है स्नान करने का, अच्छा लगता है फ्रेंड। यही टाइम होता है फरवरी से मार्च, 2 महीने होते हैं घूमने के लिए, और उधर बाद में नवंबर और दिसंबर, तो दिसंबर के मिड तक घूम सकते हैं, दिसंबर के मिड के बाद तो सर्दी शुरू हो जाती है, इस बार तो जनवरी में ही पड़ी है अपनी दिल्ली में सर्दी, दिल्ली की सर्दी भयानक है और गर्मी सबसे ज़्यादा भयानक है, चलो सर्दी तो एक तो महीने ही पड़ती है, लेकिन गर्मी तो पूरा साल ही रहती है, गर्मी भी सहनी पड़ती है, सर्दी भी, मौसम सभी अच्छे होते हैं, सभी को आना चाहिए तभी हमारा एटमॉस्फेयर ठीक रहेगा। चलो ये तो जी आना ही जाना है, कभी कोई पतझड़ आ गया, कभी बारिश का मौसम, कभी सर्दी, कभी गर्मी, उसी के साथ हमको ढलना पड़ता है, क्योंकि ये जीवन चक्र है, इसके साथ हमको जीना पड़ता है। चलो जी बातों बातों मेरा आटा भी गूंद गया, तो अभी रख देती हूँ इसको, तो चावल भी रखने बनाने हैं जल्दी से, मैं उधर दाल भी तैयार होगी, सीटियाँ बच गई हैं, तो अभी मैं थोड़ा ये तड़का है वो काट रही हूँ फ्रेंड्स, अभी तड़का को काट लेती हूँ थोड़ा सा, तो सीटी बच चुकी है, नहीं तो मेरा लहसुन अदरक का पेस्ट बना के रखती हूँ, अभी ख़त्म हो गया, तो अभी इसको कर लेती हूँ जल्दी जल्दी से, काट लेते हैं, तो ये हस्बैंड भी आ रहे हैं, तो कॉल हो गया उनको, कह रहे 2 मिनट में आ रहा हूँ मैं, तो मक्खन ले आएंगे, तो साथ का तड़का लग के हमारा लंच तैयार हो जाएगा, उधर कपड़े भी धुलने वाले होंगे, उनको भी सूखने के लिए डालना है अभी, तो पहले चलो फटाफट से कर लेते हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट पहले बनाती हूँ, मिक्सी में पीस रही हूँ फ्रेंड्स अदरक लहसुन को, ये तो हो गया, अब रख लेते हैं फ्राई पैन को, जल्दी टाइम हो रहा है, जल्दी जल्दी कर रहे हैं काम में, अभी मैंने डाल दिया इसके अंदर मक्खन, अभी प्याज को मैंने नहीं वो चॉप किया, प्याज को बारीक काटा है, पेस्ट नहीं बनाया, उससे अच्छा नहीं लगता दाल के अंदर, इसलिए मैंने इसको थोड़ा मोटा ही रखा प्याज, ये भी हो जाएगा, तो इसके अंदर फिर अभी डालूंगी अदरक और लहसुन का पेस्ट, जैसे कि रेड हो गया मक्खन फ्रेंड्स, नीचे लग जाता है थोड़ा सा, तो ये देखिए ऐसे नीचे काला काला सा हो जाता है, वो मक्खन की वजह से है, ये अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने डाल दिया इसके अंदर, और मैं उधर टमाटर की प्यूरी भी तैयार कर लूँगी, इसको भी पीस लूँगी मिक्सी के जार में ही, ये लगभग हो चुका है, ये प्यारी टमाटर की प्यूरी डाल दी मैंने इसके अंदर फ्रेंड, बहुत बेसिक से मसाले डालती हूँ मैं सभी चीज़ों में, ज़्यादा मसाला ही मुझे पसंद नहीं है, मुझे के घर में किसी को भी पसंद नहीं है, तो बेसिक से मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, और अभी ये दाल है तो इसमें देगी मिर्च जाएगी, उससे कलर अच्छा आ जाएगा दाल में, दाल भी हो गई है तो सीटियाँ अच्छे से बच गई हैं उसमें, ये देखिए, और ये हमारा मसाला भी इधर तैयार हो गया, इसने तेल छोड़ दिया, मसाला भी रेडी है, इसके अंदर अब जाएगा थोड़ा सा देगी मिर्च, इससे कलर बहुत अच्छा आ जाता है,
और ये रेड चिल्ली पाउडर हो गया ये, और हल्दी तो डालनी नहीं इसके अंदर, और नमक, पहले मैंने डाल दिया था नमक, मैं गरम मसाला डाल दिया, थोड़ा सा नमक और डालूँगी इसके अंदर मैं, क्योंकि पहले दाल बनाई थी तो नमक उसके अंदर डाल दिया था, ये थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। तो ये अब लगभग रेडी हो गया हमारा मसाला, ही पक गया। इसमें डालेंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर, धनिया ये सुखा के रखा हो मैंने, वो डाल दिया इसके अंदर। ये बिल्कुल रेडी है, अब दाल को शिफ्ट कर देते हैं इधर। थोड़ा सा मसल देती हूँ दाल को मैं, इसी करछी से मसल देती हूँ। ये बाकी का बचा हुआ मक्खन मैंने इसके अंदर डाल दिया। अभी फ्रेश क्रीम हो आपके पास वो भी आप डाल सकते हो, मलाई फ्रेश क्रीम जो भी आपके अवेलेबल हो डाल सकते हो। मैं इसमें मलाई वगैरह नहीं डाल रही हूँ क्योंकि पहले मक्खन इसमें बहुत ज़्यादा डल गया है, तो बच्चे नहीं खाते ज़्यादा ऑयली चीज़ें, इसलिए मैं नहीं डाल मैं रही हूँ अभी इसके नहीं डाल अंदर। रही हूँ कुछ भी मैं, टेस्टी तो बहुत। तो मलाई मक्खन आपके पास जो भी मलाई हो, फ्रेश क्रीम हो, आप डाल सकते हो इसमें। ये देखिए दाल हमारी लगभग रेडी है। बाहर बेल बजी, देख के आई, कोई भी नहीं था, तो हस्बैंड भी आ गए हैं। अभी शिवानी को बोलूँगी, वो खाना बना देगी। चावल बन गए हैं, फुलके उतारने हैं। ये देखिए घर हमारा क्लीन है बिल्कुल। अब चलते हैं, एक बार दाल को देख लेती हूँ फिर से। देखिए उबाल भी अच्छे से आ गया इसको, इसका कलर भी चेंज हो गया है। देखने में तो बहुत टेस्टी लग रही है, खा के फिर देखेंगे कैसी बनी है। तो अभी शिवानी को बोल देती हूँ, पहले चलते हैं ऊपर की तरफ। दाल को बंद कर दिया मैंने, अब ऊपर चलते हैं। कपड़े धुल गए होंगे मशीन में। हाँ जी जी बिल्कुल सही है, धुल चुके हैं कपड़े काफ़ी टाइम से। अब इसको सुखा देती हूँ और दूसरे वाले इसके अंदर डाल देते हैं। चलो ये भी हो गया हमारा काम, अभी 1 घंटे से ऊपर टाइम लगेगा। ये मैंने सुखाने के लिए डाल दिए हैं। अब नीचे की तरफ चलते हैं, मेरे को काफ़ी टाइम लग गया ऊपर। ये देखिए ये खाना बन चुका, खा भी चुके हैं, अभी मैं भी आराम से खाऊंगी बैठ के। ये देखिए जूठे बर्तन फिर से हो गए हैं। तो फिर मिलेंगे फ्रेंड्स हम, तो अभी अपना ध्यान रखिए पूरा। तो अभी थकावट बहुत ज़्यादा हो रखी है, अभी सोएंगे। अभी खाना हो मेरा भी हो गया, बच्चों का सबका हो गया, किचन क्लीन कर दिया मैंने। तो फिर मिलेंगे फ्रेंड्स, जाती हुई सर्दी, अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, मैं भी रख रही हूँ। तो चलो फ्रेंड रेस्ट करते हैं। देखिए शिवानी तो लेट भी गई है शिवानी तो अपना लेट गई खाना है, बना अब मैं भी करके, 1 घंटा फिर रेस्ट करूंगी, थकावट हो फिर उठ जाती है के फ्रेंड्स सबको। कपड़े धूप तो पे कल डाल दूंगी, मिलेंगे कल नए तक दिन सूख नए जाएंगे ब्लॉग आदमी के साथ, सूखे, तब तक के लिए अपना तो खूब अपना सारा ध्यान ख्याल रखिए, कल रखिए। मिलेंगे बाय नए ब्लॉग फ्रेंड्स, में, जय तब तक माता के लिए दी। बाय, जय माता दी।